तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो, और आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कोई भी फैक्ट ट्रिक नहीं बताया गया है। जो बताया गया है रियल बताया गया है, और जो कुछ भी समझाया गया है पूरे अच्छी तरीके से समझाया गया है, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो कृपया वीडियो वही देखें जिसे फोटो एडिटिंग सीखना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको फोटो एडिटिंग करना आ जाएगा, और बिल्कुल जैसा कि मैंने किया है ऐसा इसी भी फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको सेंड करना अपने फोटो को स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। स्नैपशीट में आने के बाद टूल्स पे जाना है, डिटेल्स पे चले जाना है, स्ट्रक्चर और शार्पनेस 100 कर देना है, डन करना है। एंड अगेन टूल्स पे टोनल कॉन्ट्रेस्ट पे ऊपर का दोनों 0 कर देना है और नीचे का 300 कर देना है, बिना कुछ फोटो को देखे, वरना अगर आप फोटो को देखेंगे तो आपको फोटो बुरा लगेगा। देन फिर से टूल्स पे जाना है, सेलेक्टिव टूल्स, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है पहले तो सर के पास ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेना है छोटा करके सर्कल, डन करना है ऐसे ही करके। देन अगेन टूल्स पे जाना है, सेलेक्टिव टूल, इस बार आई के पास थोड़ा ब्लैक है वहाँ ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। फिर से टूल्स पे जाना है, सेलेक्टिव टूल, और जहाँ जहाँ आपको अपने फेस पे ब्लैक लग रहा है वहाँ वहाँ बढ़ा लेना है। नाउ अगेन टूल्स पे जाना है, सेलेक्टिव टूल्स, अपने लिप पर ले जाकर रख देना है इसे, फिर सर्कल छोटा करना है, सिचुएशन इंक्रीज कर लेना है। नाउ नीचे से डन करना है, ऊपर से व्यू एडिट्स में चले जाना है, सेलेक्टिव टूल्स पे ब्रश ले लेना है और अपने लिप पे ड्रॉ कर लेना है। नौ नीचे से डन करना है, फोटो देख सकते हो कैसे से कैसा हो गया है। नौ शेयर करना है इसको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हम ऑटोडेस्क में आ चुके हैं, ब्रश पे जाना है, ये वाला ब्रश लेके सेटिंग देख सकते हो आप लोग, साइज अपने हिसाब से रखना, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, एंड नौ फोटो को स्मूथ कर लेते हैं। आपको फोटो को बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ करना है, आप साइज बढ़ा के घटा के आराम से करिएगा। नो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ।
सो गाइस हमारा फोटो स्मूथ हो चुका है पूरी अच्छी तरीके से। अब इसे सेंड करना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस हम लाइट रूम के अंदर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एक प्रीसेट और उस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीसेट डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, वो पासवर्ड मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। वो प्रीसेट ये है, सीधा 3 डॉट पे जाना है, यहाँ से नो कॉपी सेटिंग टैप करना है, मास्क टिक कर देना है, नो अपने रॉ फाइल में चले जाना है जिसे आप एडिट कर रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड पेस्ट सेटिंग कर देना है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देख सकते हो गाइस हमारा फोटो पे वो सेटिंग अप्लाई हो चुका है। सिंपल से आप कलर में जाना है, आपको मिक्स में चले जाना है, सेकंड वाले में आके ल्यूमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और सिचुएशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और फर्स्ट वाले का ह्यू थोड़ा सा माइनस कर देना है। लाइट में जाना है, ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, इफेक्ट्स में चले जाना है, विंडोज को थोड़ा सा घटा लेते हैं हम, देन सारा सेटिंग सही है, फोटो को आपको सेव कर लेना है। देन फिर से चलना है हमको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, तो सीधा चलते हैं वहीं पे। हम ऑटोडेस्क के अंदर आ चुके हैं गाइस, सीधा ब्रश पे जाना है आपको, सेम ब्रश सेम सेटिंग, साइज अपने हिसाब से रखना है और जहाँ जहाँ पे ऐसा धब्बा दिख रहा है वहाँ वहाँ पे ड्रॉ करना है आपको इस बार। दबा मिटा चुके हैं, फिर से सेटिंग में जाना है आपको, ये वाला ब्रश ले लेना है, सेटिंग देख सकते हो, इसका साइज अपने हिसाब से रख के लिप पे ड्रा करना है इस बार से कुछ इस तरह से। लिप भी स्मूथ हो चुका है हमारा, अभी से शेयर करना है स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस स्नैपशीट में हम आ चुके हैं, सीधा चले जाना है टूल्स पे, आपको लेंस ब्लर चूज कर लेना है, यहाँ से सर्कल को एकदम छोटा करके फोटो के साइड में कर लेना है, विंटेज घटा देना है, ट्रांजेक्शन 100 कर देना है, नाउ डाउन नीचे से डन कर देना है, व्यू एडिट डिटेल्स पे चले जाना है, यहाँ से लेंस ब्लर ब्रश ले लेना है और अपने फेस पे ड्रा कर लेना है जिससे कि आपकी फोटो से भी एडिटिंग की तरह लगे, देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से। पूरे फेस पे अच्छी तरीके से करें ना गाइस, यहाँ से देख के आपको आई वाला बटन टैप करेंगे तो दिख जाएगा कहाँ कहाँ हुआ है, फिर डन कर देना है, नो फिर बैक करना है, टूल्स पे जाना है, सेलेक्टिव टूल, जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेना है।
फिर से टूल्स पे, नो फिर से लेंस ब्लर, एंड इस बार अपने फेस पे छोड़ देना है इसे, विंटेज माइनस कर देना है, ट्रांजेक्शन भी माइनस कर देना है, ब्लर को अपने हिसाब से आप रख सकते हैं क्योंकि इस बार बैकग्राउंड में ब्लर करना है, डन करना है। फिर व्यू एडिट्स पे, एडिट डिटेल्स, लेंस ब्लर, ब्रश लेके बैकग्राउंड में ड्रॉ कर लेना अच्छी तरीके से, आराम आराम से करिएगा गाइस आप, कि आपके फेस पे आपके हेयर तक ना आ जाए। सो फाइनली गाइज हमारा ब्लर हो चुका है बैकग्राउंड, डन करना है, यहाँ से बैक करना है, देख सकते हो गाइज कैसा लग रहा है। नो फिर से टूल्स पे जाना है, सेलेक्टिव टूल्स पे जाना है, और आपको हेयर पर थोड़ा सा सिचुएशन माइनस कर देना है जो ब्लू ब्लू दिख रहा है। सो गाइज हमारे हेयर का सिचुएशन डाउन हो चुका है, अब आपको शेयर करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। पिक्सआर्ट में आ चुके हैं हम लोग गाइज, सीधा टूल्स पे जाना है, स्ट्रेच वाले सेटिंग में चले जाना है, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसे बढ़ा लेना है और अपने हेयर को थोड़ा थोड़ा यहाँ से स्ट्रेच कर लेना है, मतलब कि ऊपर उठा लेना है। सो गाइज हमारा हेयर ऊपर हो चुका है, अब डन करते हैं। देन इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है, अब नीचे से स्क्रॉल करना है, कलर्स वाले पे चले जाना है, और यहाँ पर कलर रिप्लेसमेंट दिख जा रहा है, इसे आपको सीधे से बैकग्राउंड में ले जाना है, और यहाँ से ऊपर वाला इधर उधर करेंगे तो देख सकते हैं आपका कैसा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। आपको जो पसंद हो वाला कलर रख सकते हैं, बट हम तो ग्रीन रखेंगे। नो ग्रीन पे लाके डन करते हैं, और फिर से आपको चले जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पे, और ऊपर से सर्च करना है गाइस आपको लाइट, LIGST। सो गाइस हमारे रिजल्ट शो होने लगे हैं, ये ब्लैक वाला लाइट चूज कर लेना है आपको। देन ब्लेंड मोड इसका स्क्रीन कर लेना है यहाँ से, और पीछे हेयर के पीछे ऐसे लगा लेना है अपने हिसाब से, फिर ऊपर से टिक कर देना है। नॉट डन करने के बाद फोटो को सेव कर लेना है। अब शेयर करना है आपको अपने फोटो को टूल व्यूज एप्लीकेशन के अंदर, ये लास्ट स्टेप है। सो गाइस टूल व्यूज हमारा ओपन हो चुका है, इफेक्ट्स पे चले जाना है, और यहाँ से सॉफ्ट स्मूथ सेलेक्ट कर लेना है, नंबर 3 पे जाना है, और ऊपर से मास्क टैप करना है, फिर यहाँ पे क्लीन कर लेना है, और हेयर पे अपने ड्रॉ कर लेना अच्छी तरीके से। सो गाइस हम पूरी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर चुके हैं, देख सकते हो हमारा हेयर कितने अच्छी तरीके से हो सका है स्मूथ। ऊपर से डन करना है आपको। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाई, एंड नाउ ऊपर से कर लेना अपने फोटो को सेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।